सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक उपचार में। और आज हम आप बताने वाले हैं, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, बैंगन। आज बैंगन के कुछ फायदे बताएंगे। बैंगन अक्सर दो तरह के होते हैं, ये देख सकते हैं, छोटे आकार के जिसको बैंगनी बोला जाता है, और एक बड़े आकार के गोल आकार के होते हैं, उसे बैंगन की एक दूसरी वैरायटी है। इसका पौधा करीब 3 से 4 फुट का होता है। अक्सर ये सितंबर अगस्त महीने में ज़्यादातर होते हैं। और आपको बता दें, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है बैंगन। बैंगन एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, लेकिन कुछ लोग इसे बिना गुण वाली सब्जी मानते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है और बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं, तो आज हम आपको अवगत करवाएंगे कि बैंगन के ऐसे गुणों से, जिसे जानने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं बैंगन के कुछ फायदे। दोस्तों, सबसे पहला फायदा है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उस कंडीशन में आप बैंगन खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको घटाएगा। तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप बैंगन खाना शुरू कर दीजिए। नंबर दो पर है फायदा, संक्रमण से मुक्ति। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बैंगन बढ़ाता है। समझो एक एंटीबायोटिक का काम करता है ये बैंगन, तो इसकी नियमित रूप से सेवन किया जाना चाहिए। जिन लोगों को सिगरेट पीने की समस्या और वो छोड़ना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उनके लिए ये एक रामबाण उपाय होगा, देसी उपाय। सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो डाइट में बैंगन का सेवन अधिक करें। जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत, इसमें मौजूद निकोटीन की सीमित मात्रा सिगरेट छोड़ने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। नंबर चार पर फायदा की बात करेंगे, जिन लोगों को रक्त की कमी हो जाती, खून की कमी हो जाती है, उनके लिए आदिवासी लोग बताते हैं कि चूल्हे में जो आग होती है उसके अंदर अगर बैंगन को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर के सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट नियमित सेवन करने से खून की कमी पूरी हो जाती है और HB भी बढ़ जाता है। नंबर पाँच पर, पेट की कोई भी बीमारी हो, जैसे अपचन, गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारे आना, ज़्यादा गैस बनना, ऐसी स्थिति में आप बैंगन का सूप तैयार कर लीजिए और उसके अंदर स्वाद अनुसार लहसुन और हींग मिला लीजिए और उसका सेवन सुबह खाली पेट कीजिए, तो आपकी पेट से होने वाली सभी समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। नंबर छः पर बातें करते हैं, जिन लोगों को त्वचा संबंधी रोग है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। बैंगन त्वचा को हाइड्रेट करता है, त्वचा में नमी प्रदान करता है। अगर आपके बाल रूखे या सूखे हैं तो आप बैंगन की खाना शुरू कर दीजिए। नंबर सात पर, जिन भाइयों और बहनों का वजन से ग्रस्त हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं, उनके लिए जो बैंगन है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसको खाने से एक तो हमारा जो पेट है जल्दी भर जाता है और भूख भी नहीं लगती, ऐसे में हमारा वजन कम होता है और जो वेट ज़्यादा बढ़ा होता है वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि इसमें जो कैलोरी होती है उसको कम करता है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को गलत फहमी थी कि बैंगन का कोई गुण है, वो इस वीडियो को अगर लास्ट तक जरूर देखेंगे तो उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है, आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर अपने भोजन में शामिल करें और स्वास्थ्य लाभ जरूर पाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।